Hello students, today we are going to discuss about sign stimulus या जिसको चिन्ह उद्दीपन भी कहा जाता है. Actually, sign stimulus is a part of a stimuli that is sufficient to evoke a behavior response in an animal. यानी एक जंतु में व्यवहार को प्रति उत्तेजित करना जो काम करता है वो sign stimulus होता है. जैसे आप देखेंगे कि द पैच ऑफ रेड कलर दैट प्रोवोक एन एग्रेसिव रिएक्शन इन एरिथेकस रिवेक्यूला, यानी यूरोपियन रॉबिन जो है उसमें क्या है, आप देखेंगे कि जो मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड है वो उन जो रेड थोरी की रॉबिन्स हैं उनके ऊपर जैसे ही वो उनकी उसमें सीमा में आते हैं, एंटिटी में आते हैं, तो वो उन पर अटैक करता है. और उसके लिए आप उसको देख भी सकते हैं कि अगर आप अपने कोई एक डमी रॉबिन रख दिया वहाँ पे जिसकी जो थोरेसिक रीजन है वो रेड कलर का है तो वो उस पर भी अटैक करेगा. तो यानी रेड कलर वो एक तरह का साइन हो गया जो उसको अग्रेसिव बिहेवियर करने के लिए उत्तेजित करता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज़ में जो फिक्स एक्शन पैटर्न मैंने बताया था कि जो इननेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर जो एक स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं, उनको, उन बिहेवियर्स को, उन एक्शन पैटर्न्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो काम करता है वो कहलाता है चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस, जिसका मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया. द टर्म स्टिमुलस ऑल्सो नोन एज अ रिलीजर इज द डिटर्मिनिंग फीचर ऑफ अ स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. साइन स्टिमुलाई आर ऑफन फाउंड व्हेन ऑब्जर्विंग अ फिक्स एक्शन पैटर्न दैट इज एन इननेट बिहेवियर विद वेरी लिटिल वेरियंस इन द मैनर इन विच द फिक्स एक्शन आर एग्जीक्यूटेड. साइन स्टिमुलाई जिनको रिलीजर्स भी कहा जाता है, द एसेंशियल फीचर ऑफ ए स्टिमुलस विच इज नेसेसरी टू एलिसिट ए रिस्पॉन्स. यानी कि भी किसी भी स्पीशीज में एक रिस्पॉन्स के लिए उसको जो है वो तैयार करना वो कहलाता है साइन स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल, रेड बेली कैरेक्टराइज्ड कोर्टशिप मेल स्टिकल बैक इज द साइन स्टिमुलस नेसेसरी टू प्रोवोक एन अटैक फ्रॉम ए राइवल मेल. जो स्टिकल बैक फिश में अगर आप देखेंगे तो उसमें उसके ब्रीडिंग सीजन में उसके बॉडी जो होती है उसके वेंट्रल सरफेस पे यानी निचले भाग का रंग लाल हो जाता है और इस समय वो बहुत ही ज़्यादा ये टेरिटोरियल हो जाते हैं. और ये जो स्टिकल बैक्स में साइन जो रेड कलर का हो जाता है वो उनके लिए एक तरह का साइन स्टिमुलाई का काम करता है, जिसमें आप देखेंगे जैसे साइन स्टिमुलाई इन स्प्रिंग मेल स्टिकल बैक चेंज कलर एस्टेब्लिश ए टेरिटरी एंड बिल्ड ए नेस्ट. दे अटैक मेल स्टिकल बैक्स दैट एंटर देयर टेरिटरी. वो उन पर अटैक करते हैं जो उनकी टेरिटरी में या उनकी सीमा में एंटर करते हैं. बट कोर्ट फीमेल्स एंड एंटाइस देम टू एंटर द नेस्ट टू ले एग. तो ये हम देखते हैं कि नरों में उग्र व्यवहार प्रदर्शित करने में असफल रहा क्योंकि उनकी पृष्ठ पर लाल रंग लगाया गया, जबकि वास्तविक प्रारूप के उस पर वेंट्रल सरफेस पे होता है और अगर हम उसकी डोर्सल सरफेस पे लगाते हैं तो वो उनको स्टिमुलेट नहीं कर पाता है. कि लाल रंग का जो बेली है वो उनके लिए साइन स्टिमुलाई का काम करता है और वो मेल स्टिकल बैक की सीमा रक्षा और उग्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है. दूसरा एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं, टिनबर्गर ने दिया था क्रूड मॉडल्स ऑफ स्टिकल बैक्स टू इन्वेस्टिगेट फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टिकल बैक्स एलिसिट अटैक एंड कोर्टशिप बिहेवियर फॉर मेल स्टिकल बैक्स. फिर द टर्म साइन स्टिमुलाई
used interchangeably. However, strictly speaking, the term release is used for stimuli that have evolved to facilitate communication between animals and of the same species. यानी ये वो कारक हैं जो एक ही जातु के जंतुओं के बीच में एक तरह का जो है वो कम्युनिकेशन को डिसाइड करते हैं. साइन स्टिमुलाई आर फीचर्स ऑफ एन एनिमल एनवायरमेंट टू विच इट रिएक्ट्स इन ए पर्टिकुलर वे. यानी एक एनिमल एक एनवायरमेंट में एक स्पेशल डायरेक्शन में काम करता है, एक स्पेशल वे में काम करता है. जैसे कि फ्लाई ऑर्किड इज ए प्लांट बट लुक्स लाइक एन इंसेक्ट विच हेल्प इट अटैक पॉलिनेटर्स. एक फ्लाई ऑर्किड नाम का प्लांट होता है जो कि एनिमल्स के इंसेक्ट लाइक दिखाई देता है और वो उसको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो उस पर आए और उसका पॉलिनेशन बढ़े. द टर्म्स साइन स्टिमुलस आर रिलीजर्स आर समटाइम्स यूज इंटेंजेबली. हाउएवर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट टर्म रिलीजर इज यूज फॉर स्टिमुलाई दैट हैव इवॉल्व टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में. दिस एक्सपेरिमेंट टिनबर्गन इन्वेस्टिगेटेड द स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द गैपिंग रिस्पॉन्स इन यंग थ्रशेज. इसमें देखिए आप एक जो यंग जो थ्रशेज है उसके अंदर जितना बड़ा आप ये रखेंगे उसके सामने वो उतना ही जो है वो माउथ की ओपनिंग उसकी होगी. ही डिस्कवर दैट द बर्ड वुड गैप एट ए प्रोटूबरेंस ऑन द साइड ऑफ द मॉडी मॉडल. यानी जितना बड़ा साइज मॉडल का है उतना ही वो गैप उसमें होगा. बर्ड वुड गैप एट द बिगेस्ट हेड बट इन फैक्ट टिनबर्गन फाउंड दैट द रिलेटिव साइज ऑफ द हेड वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स एब्सोल्यूट साइज. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी जो उनका स्टिमुलाई होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें जो दे रखा है द नेचुरल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. जैसे रिलीजर्स के लिए सम ऑफ द मोस्ट कलरफुल एग्जाम्पल्स आर द ब्राइट कलर्ड प्लमेज ऑफ मेल बर्ड्स दैट हेल्प देम अट्रैक्ट मेट्स. ब्राइट कलर जो मेल्स का होता है बर्ड्स में वो उनके मेट्स को उसके साथी को अट्रैक्ट करने के लिए में उनकी मदद करता है. ये भी एक तरह का स्टिमुलाई का काम करता है. इन एडिशन मेल बर्ड्स ऑफन हैव बिहेवियरल डिस्प्ले दैट इन्हांस देयर अट्रैक्टिवनेस टू फीमेल्स. इन कॉन्ट्रास्ट मैनी फीमेल्स बर्ड्स आर रिलेटिवली डाउडी. इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राइट कलर्स जो बर्ड्स के हैं वो भी उनको एक तरह का साइन स्टिमुलाई का काम करते हैं. वो एक तरह का कलर स्टिमुलाई हो जाता है. इसी तरह से एक जो होता है ऑडिटरी स्टिमुलाई भी होता है जिसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि कांच के एक पिंजरे में रखे हुए टर्की हैन तब तक छुड़ाने की कोशिश करती है जब तक उसकी चीख पुकार नहीं सुन लेती. और शिशु की इस प्रकार की पुकार ही माता को उसे बचाने के लिए प्रेरित करती है न कि उसकी दयनीय है. यानी वो उसकी हालत नहीं देख पाती है. उसके बच्चे को एक केज में बंद कर दिया है और वो बच्चा जो है वो चीखता है और वो चीख पुकार सुनकर माँ आती है, उसकी हालत देख कर नहीं आती. तो ये एक तरह का इसका हो गया ऑडिटरी स्टिमुलाई का नाम से जाना जाता है. केमिकल स्टिमुलाई भी होते हैं कि कुछ कीट विशेष प्रकार की गंध के फलस्वरूप संबंधित पौधों की ओर आकर्षित होते हैं. जैसे सीटोना सिलेंड्रिकोलिस नामक सुरसुरी कुमेरिन नामक तत्व की गंध की ओर आकर्षित होता है. ये एक तरह का केमिकल स्टिमुलाई होता है. अब आता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई या जिसको अधिसामान्य स्टिमुलाई कहा जाता है. सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई इज द फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब आर्टिफिशियल स्टिमुलाई दैट आर मोर इफेक्टिव देन ए रियल थिंग इन एलिसिटिंग ए बिहेवियरल रिस्पॉन्स. यानी एक कृत्रिम प्रकार का उद्दीपन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है बजाय कि एक रियल के. कि जंतुओं द्वारा विशेष अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक वस्तु की तुलना में अधिक दक्ष सिद्ध हुए हैं जो कि सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई होते हैं. इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है हेरिंग गल्स का जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि हेरिंग गल्स पीक एट ए रेड स्पॉट. आप देख रहे हैं इसमें येलो के ऊपर रेड जो है पीक के ऊपर ऑन देयर
पेरेंट्स बिल टू इंड्यूस देयर पेरेंट टू रिगरगेट फूड. चिक विल ऑल्सो पीक एट मॉडल कंस्टिंग ऑफ ए रेड स्पॉट अगेंस्ट येलो पैक गार्ड. यानी इसमें हेरिंग जो है पक्षियों के, इनके शिशु जो होते हैं वास्तविक स्वरूप में इनके चोंच के जो होती है पी बीक जो होती है उसके प्रारूप और कृत्रिम पतली और लंबे आकार की चोंच इनके सिरे पर लाल रंग लगाकर तीन स्थानों पर सफ़ेद रंग की धारियां खींच दी जाती हैं. और शिशुओं ने कृत्रिम चोंच को अधिक बार, यानी ये आप देख रहे हैं क्यों, क्योंकि रेड कलर का जो पैच है वो उनको अट्रैक्ट करता है कि पीले कलर की उसको करके रेड एक स्पॉट लगा दिया जाता है, वो जिस पे रेड लगाया हुआ है उसको ज़्यादा जो है वो उसको बीट करता है. हरिंगल पक्षियों की चोंच पर स्थित लाल रंग के धब्बे जो होते हैं शिशु थपथपाते हैं और इन्हें इनके जनकों द्वारा भोजन कराया जाता है. तो सुपर नॉर्मल मॉडल शिशुओं को अधिक आकर्षित करता है, ये एक तरह का साइन स्टिमुलाई का काम करता है. However, it is possible to construct a model that is even more effective than a real head by using a red pencil with three white bars at the end. And this is example of super. ये आप देख रहे हैं नीचे जो पेंसिल दी हुई है, एक रेड पेंसिल है जिसपे तीन वाइट बार्स या लाइन खींची हुई है, जो एक तरह का सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई होता है. इन दिस एक्सपेरिमेंट द सुपर नॉर्मल स्टिमुलस रिसीव्ड अबाउट 25 मोर पैक्स फ्रॉम गर्ल चिक्स देन द नेचुरल हेड. यानी इसको उसके बच्चे 25% ज़्यादा थपथपाते हैं बजाय कि नेचुरल के. ए मॉडल ऑफ एन एडल्ट हेड और ए मॉडल ऑफ एडल्ट बिल. वंडर वाई एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई मोर विग्रसली देन टू मोर रियलिस्टिक मॉडल. यू माइट एक्सपेक्ट हियरिंग गर्ल टू हैव इवोल्व so that they more closely match the characteristic of the supernormal stimuli, but a long narrow bill might have compromised their ability to feed. So clearly there is a balance to be struck here between the feeding demands of the adult and young birds. तो ये हो गया हमारा आज का sign stimuli. Thank you.